बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। नाला पर निर्माण के पेंच में फंसा मामला। 1.5 करोड़ की लागत से जिला परिषद ने बनाया था मार्केटिंग कम्प्लेक्स, हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ने का काम शुरू। समस्तीपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर शहर के सुभाष चंद्र रोड में जिला परिषद द्वारा बनाए गए मार्केटिंग कम्प्लेक्स को तोड़ा जा रहा है। इस मार्केटिंग परिसर का निर्माण जिला परिषद द्वारा 3 वर्ष पूर्व करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था। बताया गया है कि पहली फेज में सुभाष रोड के स्टेशन की ओर बने 24 दुकानों को तोड़ा जाएगा। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नवीन कुमार ने बताया कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद शहर के संजय कुमार नामक अधिवक्ता ने पटना हाई कोर्ट में मामला दायर करते हुए बताया था कि जिस जगह पर मार्केटिंग परिसर का निर्माण कराया गया है वहाँ पर नाला है, फिर जिला परिषद द्वारा उक्त नाले पर निर्माण कैसे कर दिया गया। वकील और गवाहों की दलील सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने उप निर्माणाधीन मार्केटिंग परिसर को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसी आलोक में मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति करते हुए मार्केट को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। निर्मित मार्केटिंग कम्प्लेक्स शिक्षित बेरोजगार को देने की थी योजना। जिस समय इस मार्केटिंग परिसर का निर्माण कराया गया था उससे समय जिला परिषद के पदाधिकारी ने बताया था कि निर्माणाधीन मार्केटिंग कम्प्लेक्स कारोबार के लिए शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी ताकि वह रोजी रोटी कमा सके, लेकिन हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के बाद दुकान की आस लगाए बैठे शिक्षित बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है। जिला परिषद का मार्केट तोड़ा जा रहा है, ये उच्च न्यायालय के आदेश पर उनके अतिक्रमण पाया गया, उनके आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत SDO साहब की तरफ से आदेश पारित हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति हुई और आज तोड़ने की कार्रवाई की। ये माने निजी जमीन पर बना हुआ है क्या? नहीं, सरकारी जमीन। तो फिर अतिक्रमण का कहाँ से मामला आया? ये इसमें जिसमें नाला था और हाईकोर्ट की फाइंडिंग थी, हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में। अच्छा, ये नाला पर मार्केट बना हुआ है? निजी नाला खतियान में किस नाला दर्ज था? CS खतियान था। CS खतियान में किस नाला दर्ज था? हाईकोर्ट की फाइंडिंग के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी।